सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पेट्रोल डीजल मूल्य कम करने की मांग की है। आपका कहना है कि कोरोना के चलते व्यापारी वर्ग का धंधा प्रभावित हुआ है, वहीं महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल का मूल्य कम किया गया है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग है कि प्रदेश में डीजल और पेट्रोल मूल्य वृद्धि को रोका जाए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से काम धंधा वैसे ही चौपट हो गया है, लोगों का काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा है। ऊपर से डीजल और पेट्रोल मूल्य वृद्धि की वजह से खाने पीने की चीजें, भवन निर्माण या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सभी कुछ महंगा हो गया है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल का रेट कम करें ताकि आम आदमी को राहत मिले। पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से बोलती है कि डबल इंजन की सरकार बहुत मजबूती से चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर ये डबल इंजन की सरकारें तो फेल हो रही हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी अभी पिछले 2 सालों से लॉकडाउन चल रहा है। व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, सभी त्रस्त हैं इस महंगाई से। ऊपर से यह डीजल की महंगाई की मार से और ये बहुत बुरी तरह से झेल रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।